हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया C20 प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का, साउंड पर सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का ये पेज ओपन होगा, इस पेज को आपको नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है ऐसे, तो आपको सबसे ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा नोन का, नोन पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इसके बाद नीचे ये ओके का बटन प्रेस कर देना है, तो आपका ये डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड के नीचे नोन लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपकी सेटिंग ऑफ हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन जो है कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी तरीके की साउंड की आवाज नहीं आएगी जब भी कभी नोटिफिकेशन आएगा। तो ये सेटिंग जो है ना नोटिफिकेशन साउंड सेटिंग डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके फोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सेटिंग पेज को हम यहां पे फिर से ओपन करते हैं। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च सेटिंग का, इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है नोटिफिकेशन साउंड, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पे टाइप कीजिए नोटिफिकेशन साउंड, तो आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको है ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, आपको डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे साउंड लिखा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके फोन में।